हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मिस्ट्री हॉरर मूवी टेथर्ड को, जिसे डायरेक्ट किया है डैनियल रॉबिनेट ने। ये मूवी 2017 में आई सेम नेम की शॉर्ट फिल्म का फ्यूचर लेंथ है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है सोलोमन की। वो रेडियो से अपना डैड लुकास का एक पुराना टेप रिकॉर्डिंग सुन रहा था। रिकॉर्डिंग में वो बोल रहे थे, अगर तुम ये टेप सुन रहे हो तो इसका मतलब कि मैं जा चुका हूँ। हम यहाँ आए ताकि तुम सेफ रहो और तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन मैं गलत था, वो ठीक नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसी बीच हम जंगल के अंदर किसी चीज को देखते हैं जो काले कपड़े में था। वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं लगता, क्योंकि वो एक जानवर को घसीट कर जंगल के अंदर ले जा रहा था। सोलोमन की बात करें तो वो 10-12 साल का एक ब्लाइंड लड़का है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। लुकास के छोड़कर जाने के बाद से फिलहाल वो अपने मॉम निडिया के साथ यहाँ रहता है। मॉर्निंग में उन लोगों को शिकार ढूंढने के लिए जंगल में जाना था, तो जाने से पहले वो अपने कमरे में एक रस्सी बांध लेता है, जिसका दूसरा हिस्सा घर के साथ अटैच था। जब भी सोलोमन बाहर जाता है, वो ये रस्सी अपने कमर में बांध लेता है ताकि इजीली अपने घर तक पहुंच सके। ब्लाइंड होने के बावजूद भी सोलोमन काफी स्मार्ट लड़का है, क्योंकि नीडिया ने उसे अच्छे से ट्रेनिंग दिया था ताकि वो अकेले भी इस जंगल में सरवाइव कर सके। यहाँ जंगल में नीडिया के सहारा लिए बिना ही सोलोमन सभी ट्रैप्स को चेक करके अपना शिकार ढूंढ लेता है, जो कि उनके लगाए ट्रैप्स में फंसा हुआ था। घर लौटने के बाद नीडिया सोलोमन से उस जानवर को दो हिस्सों में कटवाती है। एक हिस्सा वो लोग अपने पास रखते हैं और दूसरा हिस्सा लेकर नीडिया सोलोमन के साथ जंगल के पास जाती है और उसे वो आधा हिस्सा जंगल में फेंकने को कहती है। बिना कोई सवाल किए सोलोमन भी ऐसा ही करता है और फिर अपने मॉम के साथ घर वापस आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीडिया सोलोमन से कहती है, आज तुम्हारे डैड का जन्मदिन है। इसी खुशी में वो सोलोमन के साथ फिशिंग करने के लिए रिवर साइड जाती है। रास्ते में हम नीडिया को किसी चीज से डरते हुए देखते हैं, पर सोलोमन के पूछने से वो उसे कुछ नहीं बताती और फिर से नॉर्मल हो जाती है। फिशिंग करते हुए सोलोमन पूछता है, मॉम क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? जवाब में नीडिया उसे कहती है, नहीं, मौत के बाद जिंदगी थोड़ी सी बदल जाती है। अब तक वो लोग एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, तो नीडिया की इजाजत लेकर सोलोमन कुछ वर्म्स ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है। जंगल में सोलोमन को एक लोहे का चेन मिलती है जो जमीन के अंदर फंसा हुआ था। वो इसे चेक ही कर रहा था, तभी वहां नीडिया आ जाती है और सोलोमन से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना ज्यादा दूर मत जाना, कहकर वो सोलोमन को लेकर घर वापस आ जाती है। यहाँ नीडिया कुछ खेती करने की कोशिश कर रही थी और सोलोमन उनके बकरी मिली के साथ खेल रहा था। तभी नीडिया बहुत तेज खांसने लगती है, जो सुनकर सोलोमन परेशान हो जाता है। तो नीडिया बात को टाल कर मिली को लेकर अंदर चली जाती है। रात को वो दोनों मिलकर लुकास का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद नीडिया सोलोमन को सुलाने ले जाती है और उसे एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती है। ये स्टोरी एक बेबी गोट का था, वो भी सोलोमन की तरह ही अपने मॉम डैड के साथ रहता था। एक दिन वो अपने घर से भाग कर अंधेरे जंगलों में चला गया। शाम होने पर जब उसे घर लौटना था, वो भूल चुका था कि उसे किस तरफ जाना है। तभी उसे जंगल के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और उसके सामने एक भयानक क्रिएचर आ जाता है। वो भूखा था और बेबी गोट का शिकार करना चाहता था। डर के मारे बेबी गोट वहां से भागने लगता है और भागते भागते फाइनली अपने घर तक पहुंच ही जाता है। इसके बाद वो अपने मॉम डैड से प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। उस घटना के बाद बेबी गोट हमेशा अच्छा बन के रहा और दोबारा कभी उस जंगल में नहीं गया। स्टोरी खत्म करके नीडिया सोलोमन से फेथ के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, जब हमें किसी ऐसी चीज पर विश्वास हो जिसे हम साबित नहीं कर सकते, तब हम उसे अपना फेथ कहते हैं। रिप्लाई में सोलोमन कहता है, मुझे भी बहुत सारी चीजों पर विश्वास है, जबकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। नीडिया उसे गुड नाइट कहकर बाहर जाने लगती है। तब सोलोमन उसे रोक कर कहता है, मॉम मुझे आप पर भी विश्वास है। जवाब में नीडिया कहती है, मुझे भी तुम पर विश्वास है सोलोमन। इसके बाद वो उस रूम से बाहर आती है और रात के अंधेरे में जंगल की तरफ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद, जहां अब सोलोमन बड़ा हो चुका है। इस बार नीडिया ने उसके लिए एक रिकॉर्डिंग छोड़ा था, जिसे वो हर रोज सुनता रहता है। उस रिकॉर्डिंग में नीडिया कह रही थी, आई एम सो सॉरी सोलोमन, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही पड़ा। अब तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें बस हमारा 3 रूल्स फॉलो करना है, इससे तुम हमेशा की तरह सेफ रहोगे। रूल नंबर 1, तुम्हें हमेशा दोनों के लिए शिकार करना
करना है, एक अपने लिए और दूसरा इस जंगल के लिए। रूल नंबर 2, जब तुम निराश हो जाओगे कभी भी हार मत मानना, बस हमारा फैमिली सॉन्ग गुनगुनाना, इससे तुम्हें काफी राहत मिलेगी। द थर्ड एंड द फाइनल रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपना रस्सी मत भूलना। ये रस्सी तुम्हारा गाइड है और ये लैंड तुम्हारा घर, तो कभी भी इस रस्सी को खुद से अलग मत करना। जब तक ये रस्सी तुम्हारे साथ होगा तब तक तुम्हारे पास उम्मीद होगा। निरिया के चले जाने के बाद सोलोमन ने हमेशा इन तीनों रूल्स को फॉलो किया है, कभी भी उसने इन रूल्स का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे ही एक दिन जब वो शिकार के लिए जंगल में जाता है, उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तो वो नदी से कुछ मछली पकड़ के घर वापस आ जाता है। पिछले 2 दिनों से उसके ट्रैप्स में कोई भी शिकार नहीं फंसा, तो वो कुछ ड्राई फ्रूट्स खाकर ही काम चला रहा था। तभी उसे जंगल के अंदर से किसी क्रिएचर का ग्राउलिंग सुनाई देता है। ये आवाज काफी तेज और डरावना था। जंगल के करीब जाने पर सोलोमन को चेन खींचने की आवाज आती है, तो वो और आगे नहीं जाता और घर आकर अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग सुनकर सो जाता है। रात को उसे नींद नहीं आ रहा था, तो वो घर के बाहर आके बैठ जाता है और तभी उसे जंगल की तरफ से मिली की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए जब वो जंगल के किनारे तक जा पहुंचता है, तो वहां मिली जख्मी पड़ी थी, जैसे कि किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो। तभी अचानक कोई चीज मिली को जंगल के अंदर खींच लेता है। इस हादसे से सोलोमन काफी डर चुका था, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और नेक्स्ट मॉर्निंग शिकार के लिए जंगल में जाता है, क्योंकि सर्वाइव तो उसे करना ही था। आज भी सारे ट्रैप्स खाली पड़े थे, जिस वजह से सोलोमन निराश हो जाता है। तभी उसे थोड़ी ही दूर से गन शॉट सुनाई देता है। उस तरफ जाने पर उसे एक हिरन मरी हुई मिलती है, जिसे गोली लगी थी। शायद किसी ने अभी अभी इस हिरन का ही शिकार किया है। पीछे पीछे वो शिकारी भी वहां तक पहुंच जाता है और सोलोमन से कहता है कि ये मेरा शिकार है। घबरा के सोलोमन उस आदमी पर हमला करने लगता है, बदले में वो सोलोमन को मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर वो आदमी सोलोमन से कहता है, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो अपना नाम हैंक बताता है और सोलोमन के कमर में बंधी रस्सी के मदद से हैंक उसे घर तक लेकर आया था। वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और बातों ही बातों में हैंक को सोलोमन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे वो इतने सालों से इस जंगल में अकेले सर्वाइव करता आया है। हैंक उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन सोलोमन कहता है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। दरअसल सोलोमन ने काफी सालों बाद इस जगह पे किसी दूसरे इंसान को देखा था, इसलिए वो उस पर विश्वास करने से डर रहा था। हैंक आज रात के लिए सोलोमन के घर रुकने का इजाजत मांगता है, बदले में वो इस हिरन को उसके साथ बांटने के लिए तैयार था। ये सुनकर सोलोमन भी मान जाता है। शाम को जब सोलोमन लकड़ी काटने के लिए घर से बाहर जाता है, तो इसी मौके का फायदा उठा के हैंक एटिक में पहुंच जाता है और कुछ कीमती सामान ढूंढने लगता है। वहां पर उसे निरिया की एक जर्नल मिलता है, जिसे लेकर हैंक नीचे आता है। इसी बीच सोलोमन भी घर आ चुका था, तो हैंक उस जर्नल को पढ़ नहीं पाता और टेबल पे वापस रख देता है। डिनर करते टाइम हैंक उससे कहता है, मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे पास ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं बचा है, अगर तुम कल सुबह मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें किसी सेफ जगह छोड़ सकता हूँ। सुनकर सोलोमन उसे साफ मना कर देता है। उस रात जब वो लोग सो रहे थे, तभी अचानक एक भयानक आवाज सुन के वो दोनों जाग जाते हैं। बाहर चेक करने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये जो कुछ भी है बहुत ही खतरनाक है, कहकर हैंक अपना गन लेके जंगल के अंदर जाता है। यहाँ एक ओल्प मरा पड़ा था और उसके सामने वाले पेड़ पर बहुत बड़े बड़े नाखूनों का निशान था। आगे बढ़ने पर हैंक को एक पेड़ के पीछे किसी चीज की होने का एहसास होता है, तो हैंक उस पे गोली चलाता है, लेकिन वो चीज भागता नहीं बल्कि गुस्से से हैंक की तरफ दौड़ कर आने लगता है। उससे बचने के लिए हैंक वहां से भागकर घर वापस आ जाता है। यहाँ सोलोमन भी डरा हुआ था और जोर जोर से अपने फैमिली सॉन्ग गुनगुना रहा था। हैंक के पूछने पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और चादर ओढ़ के सो जाता है। आखिर वो क्या चीज थी, सोचते सोचते हैंक भी सो जाता है। सुबह वो दोबारा सोलोमन से पूछता है, क्या तुम्हें उस चीज के बारे में कुछ भी पता है? जवाब में सोलोमन उसे मना कर देता है। तो टॉपिक को चेंज करते हुए हैंक उससे कहता है, हमारे पास अभी भी बहुत सारा हिरन के मांस पड़े हैं, तो मैं सोच रहा था कि जाने से पहले तुम्हें इसे प्रिजर्व करना सिखा दूं, ताकि तुम विंटर में भी इन्हें आराम से खा सको। सुनकर सोलोमन भी तैयार हो जाता है। हैंक सोलोमन का ओल्ड स्मोकर रिपेयर करने का सोचता है, जिसके लिए उसे एक चेन की
जरूरत पड़ेगा। तो सोलोमन उसे उस चेन के बारे में बताता है जिसे उसने बचपन में देखा था। वो दोनों मिलकर उस चेन को ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ जंगल में सोलोमन अपनी ट्रैप्स को चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था, जो देख हैंक काफी इम्प्रेस हो जाता है। जवाब में सोलोमन कहता है कि ये रस्सी ही मेरा गाइड है। वो हैंक को उस जगह तक ले जाता है जहाँ उसने वो चेन देखा था। थोड़ा ढूंढने पर हैंक को भी वो चेन दिख जाता है, तो वो उस चेन के पास जाता है, लेकिन सोलोमन वहां तक नहीं जा पाता क्योंकि उसका रस्सी कम पड़ रहा था। ये चेन एक डेन के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन हैंक उसके अंदर नहीं जाता क्योंकि उसे अपनी जरूरत के हिसाब से चेन मिल चुका था। तो वो एक चेन कटर से उस चेन को काट कर सोलोमन के साथ वापस आ जाता है। हैंक जब उस स्मोकर को ठीक करने में लगा हुआ था, तब सोलोमन उससे हिरन का एक पीस मांगता है और उसे ले जाकर जंगल में फेंक देता है। ये चीज हैंक ने भी नोटिस किया, तो वो सोलोमन से इसका रीजन पूछता है। जवाब में सोलोमन उसे कहता है कि मैं दो लोगों के लिए शिकार करता हूँ, एक अपने लिए और दूसरा इस जंगल के लिए। हैंक को ये सब काफी अजीब लगा। वो पूछता है क्या ये कोई विचक्राफ्ट है। साथ ही साथ वो समझ जाता है कि इसलिए ही कल रात वो क्रिएचर खाना ढूंढते हुए उनके घर तक आ गया था। तो हैंक सोलोमन से कहता है जो कुछ भी इस जंगल में है, अगर तुम उसे इसी तरह खाना देते रहे तो वो चीज यहाँ से कभी नहीं जाएगा। तुम्हें उसके लिए भी एक जाल बिछाना चाहिए, इसमें मैं तुम्हारा मदद करूंगा। सोलोमन उससे पूछता है आखिर कैसे हैंक उसकी मदद करेगा, क्योंकि इस रस्सी के होते हुए तो वो एक लिमिट तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं। सुनकर हैंक उस रस्सी के साथ एक कपड़े का रस्सी बनाकर तैयार करता है, जिससे सोलोमन जंगल के और भी अंदर तक जा पाएगा। इसके बाद वो लोग एक बड़ा सा ट्रैप लेकर उस चीज का शिकार करने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। बातचीत करते हुए वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक कोई अननोन फोर्स सोलोमन को जंगल के अंदर खींच कर ले जाने लगता है। उसे बचाने के लिए हैंक भी उसके पीछे जाता है और किसी तरह उसे पकड़ लेता है। फिलहाल इस जंगल में रुकना बिल्कुल सेफ नहीं होगा, इसलिए वो लोग तुरंत घर वापस आ जाते हैं। सोलोमन बहुत घबराया हुआ था। उसे शांत करने के लिए हैंक उसे नीडिया की वो जर्नल पढ़ के सुनाता है, जिसमें नीडिया ने सोलोमन के बचपन से जुड़ी हर एक किस्से लिख रखा था। पढ़ते पढ़ते अचानक से हैंक रुक जाता है, क्योंकि एक पेज में नीडिया ने कुछ सेटानिक सिंबल बनाया था और लास्ट पेज में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर हैंक परेशान हो जाता है। वहां नीडिया ने लिखा था कि एक रात उसके और लुकस के बीच किसी चीज को लेकर अनबन हो गई, तो गुस्से में आकर लुकस ने सोलोमन को नीडिया से छीन लिया। इससे पहले कि वो सोलोमन को कोई भी नुकसान पहुंचाता, नीडिया ने उसे बचा लिया। नीडिया के मुताबिक उसने जो कुछ भी किया सोलोमन के अच्छे के लिए किया। अब उस रात नीडिया ने लुकस को मार डाला था या फिर अपने गिल्ट में आकर खुद ही लुकस ने घर छोड़ दिया, ये हम व्यूअर्स को बताया नहीं जाता। हैंक को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात सोलोमन को कैसे बताए, तो वो उससे थकावट का बहाना करके सोने चला जाता है। रात भर हैंक सो नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ उसी बारे में सोच रहा था। सोलोमन के सो जाने के बाद हैंक अपने साथ अपना गन और एक बड़ा सा ट्रैप लेता है और रात के अंधेरे में ही जंगल के तरफ निकल जाता है। वो सीधा उस टेन के पास जाता है जहाँ वो लोहे का चेन अटका हुआ था। वहाँ हैंक को एक झाड़ियों का टेंट नजर आता है, जिसके अंदर नीडिया का एक और जर्नल पड़ा था। इसमें वो सोलोमन से माफी मांग रही थी और लास्ट पेज में उसने लुकस का भी नाम लिखा था। ये सब देखने के बाद हैंक उस डेन के बाहर ट्रैप सेट कर देता है। दूसरी तरफ सोलोमन नींद से जागता है और चारों ओर हैंक को पुकारने लगता है, लेकिन हैंक की कोई रेस्पॉन्ड ना मिलने पर वो मायूस हो जाता है और नीडिया की टेप रिकॉर्डिंग सुनने बैठता है। तभी उसे जंगल के अंदर से गन शॉट सुनाई देता है, जो सुनकर सोलोमन भी तुरंत उस तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे हैंक का बैग पड़ी हुई मिलती है, लेकिन वो यहाँ से आगे नहीं जा पाता क्योंकि उसका रस्सी कम पड़ रहा था। यहाँ सोलोमन हिम्मत करके उस रस्सी को उतार देता है और हैंक को ढूंढते हुए वो भी उस डेन तक जा पहुंचता है जहाँ हैंक का लाश पड़ा था। उसके सर में हम किसी जानवर का नोचने के निशान देख पाते हैं। हैंक के मौत से सोलोमन बहुत दुखी था। तभी उसे सामने से किसी की आहट महसूस होता है और हम देखते हैं नीडिया को, जो अब एक क्रिएचर में बदल चुकी थी। उसके पैरों में वो ही चेन बंधा हुआ था। इसका मतलब नीडिया ही वो क्रिएचर है जो इतने दिनों तक उन लोगों को हॉन्ट कर रही थी। घर के बाहर ग्राउल करने वाली भी वो ही थी और हैंक को भी उसी ने मारा। यहाँ नीडिया सोलोमन पे हमला करने के लिए उसके तरफ भागती है, मगर तभी उसकी पैरों में बंधी चेन हैंक के लगाए ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती और सोलोमन को देखकर ग्राउल करने लगती है। सोलोमन यहाँ बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने पॉकेट से नाइफ निकाल लेता है और डर पे काबू रखने के लिए अपना फैमिली सॉन्ग गुनगुनाने लगता है। ये सुनने के बाद हम नीडिया को भी शांत होते हुए देखते हैं और वो भी सोलोमन के साथ ये गाना गुनगुनाने लग जाती है। यहाँ फाइनली सोलोमन को भी एहसास होता है कि उसके सामने उसकी मॉम नीडिया खड़ी है। साथ ही साथ वो ये भी समझ जाता है कि उसकी मॉम अब बदल चुकी है। नीडिया ही वो क्रिएचर है जिसे वो इतने दिनों तक
फीट कर रहा था। सोलोमन हिम्मत करके उसके पास जाता है और नीडिया उस पे झपट पड़ती है। अब ये सिर्फ एक प्यारा सा हक था या फिर वो सोलोमन पे हमला करने वाली थी, ये समझ पाने से पहले ही सोलोमन नीडिया को स्टैप कर देता है। उसके सामने पड़ी नीडिया तड़प तड़प के मारी जाती है और उसके मरने के तुरंत बाद ही सोलोमन अचानक से बीमार हो जाता है। वो बिल्कुल नीडिया की तरह ही खांस रहा था, जैसे कि नीडिया की बीमारी अब उसे लग चुकी है। खांसते हुए सोलोमन अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तभी अचानक से उसकी आंखें बदल जाती है, बिल्कुल एक क्रिएचर की तरह। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड होता है। सो गाइस, आई नो कि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो, लेकिन अगर आप इस मूवी को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को काफी कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि मूवी देखते वक्त हमें ऐसा लगता है कि शायद ये मूवी पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बेस्ड है, जिसके चलते सोलोमन की फैमिली इन घने जंगलों के बीच आकर रहने लगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। फैंस थ्योरी के मुताबिक किसी श्राप के चलते इस फैमिली को पहले से ही पता था कि एक टाइम के बाद वो लोग भयानक क्रिएचर में बदल जाएंगे, और इसी वजह से ही उन्होंने जंगल में आकर रहना ही ठीक समझा। रिवर साइड में पहली बार ने जो चेन देखा था वो चेन लुकस का था, और नीडिया सोलोमन के साथ लुकस के लिए ही जंगल में खाना फेंका करती थी। इसके बाद नीडिया सोलोमन को छोड़कर चली गई क्योंकि वो भी धीरे धीरे क्रिएचर में बदल रही थी। उस रात घर के बाहर ग्राउल करने वाली भी नीडिया ही थी, बिकॉज दो दिनों से शिकार ना मिलने पर सोलोमन ने जंगल में कुछ नहीं फेंका था, जिसके चलते नीडिया घर तक आकर उनकी बकरी मिली को ले गई। अब बारी थी सोलोमन की। अगर उसने नीडिया के बताए गए रूल्स को फॉलो किया होता तो शायद वो बच भी सकता था, लेकिन जो होना था वो ही हुआ। जैसे ही सोलोमन ने उस रस्सी को उतारा और अपने क्रिएचर मॉम के कांटेक्ट में आया, वो भी एक क्रिएचर में बदल गया। अब उसे फिट करने वाला तो कोई था नहीं, जिसके चलते अब वो खुद ही अंधाधुंध शिकार करेगा, जो कि आगे चलकर दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। सो गाइस, इट्स अ ग्रेट मूवी, आप लोग एक बार इस मूवी को जरूर देखना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बस इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।